नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम उन बच्चों के बारे में जानकारी देंगे जो बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब करते हैं। तो आज हम आपको इनके कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आसानी से उनमें जो रात को बिस्तर में पेशाब करने की जो आदत है वह ठीक हो जाए। जो बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब करते हैं, आप उसके लिए 50 ग्राम कुलंजन का पाउडर ले लीजिए और 200 ग्राम शहद में मिलाकर रोज़ सुबह को और शाम को 5-5 ग्राम की मात्रा में रोज़ देते हैं। 30 से 45 दिन तक लगातार देने से बच्चे की जो ये समस्या है वह ठीक हो जाती है। इसके लिए दूसरा उपाय यह है, आप 2 अखरोट लीजिए, 20 किशमिश लीजिए, रोज़ सुबह को बच्चे को उसे रोज़ दूध के साथ खिलाइए। इससे भी बच्चे की जो पेशाब करने की जो समस्या है वह ठीक हो जाती है। इसके लिए तीसरा उपाय भी है। तीसरे उपाय में खजूर लीजिए, आप 2 खजूर सुबह को और 2 खजूर शाम को दूध के साथ देना है बच्चे को। इससे भी रात में बिस्तर में पेशाब करने की आदत ठीक हो जाती है। आपको हम एक और उपाय बता रहे हैं, चौथा उपाय है, आप कम से कम 3 से 4 मुनक्खे लीजिए और उनके बीज निकाल लीजिए। उन बीज को निकालने के बाद उसमें एक एक दाना काली मिर्च का डाल दीजिए। रात को सोने से पहले बच्चे को उसे खाने के लिए दीजिए, ऊपर से दूध पिला दीजिए। इससे भी बच्चे की रात में बिस्तर में पेशाब करने की आदत ठीक हो जाती है। अगला उपाय है कि इस जामुन की सूखी हुई गुठलियाँ ले लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए। 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह को और शाम को खाना खाने के बाद ताज़ा पानी से आपको देना है। इससे भी बच्चे जो बिस्तर में पेशाब करते हैं उनकी आदत छूट जाती है। आप एक और उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आंवला लेना है, आंवले का पाउडर लेना है, बारीक पाउडर 3-3 ग्राम की मात्रा में आप पाउडर लीजिए और 1-1 चम्मच शहद में मिलाकर रोज़ सुबह को खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद बच्चों को दीजिए। इससे भी बच्चे जो बिस्तर में पेशाब करते हैं उनकी आदत छूट जाएगी। दोस्तों, हमने आपको जो बच्चों के साथ समस्या रहती है जो बिस्तर में पेशाब करते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी है। दोस्तों, अगर आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमने ये आपको साइड में दिखा रहे हैं, ये पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे देखना आप ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी हमसे सवाल पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।